मेरा नाम नूर मोहम्मद है और 70 में मैंने ये दुकान खोली है और रफ्ता 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 अल्लाह के फजल से पहले हम दो आदमी होते थे, बाद में साल डेढ़ साल बाद समय हम तीन आदमी काम करने शुरू कर दिए। साथ ही रफ्ता रफ्ता समय अपनी समय दुकान की कारोबार को बढ़ाते रहे, जिससे हमने 5 सीटें कर दी। उसके बाद अल्लाह के फजल करम से हमने 5 से 6 किए हैं, 6 से कुछ अरसे बाद समय ने हमने 7 कर दिए, फिर हमने 8 कर दिए। हम इस टाइम समय 8 कारीगर काम करते हैं, अल्लाह के फजल से बेहतर हैं जो कुछ भी है। अभी मैं खुद जो है काम करने से रह गया हूँ, मैं अभी काम नहीं कर सकता, सिर्फ गाइडिंग करता हूँ। मेरी पैदाइश जो है वो रसालपुर की है, वाले साहब मेरे आर्मी में थे। उसके बाद समय ने जब हमने होश संभाली तो मैं इस पेशे में आ गया, अल्लाह के फजल से सीखा, बहुत बेहतरीन सीखा, जो आज तक काम करते रहे हैं। पीछे से ज़िला कैमलपुर का था मैं, ज़िला कैमलपुर का था और अभी समय ने बस सिर्फ वो ज़िला कैमलपुर का नाम ही रह गया, अपनी ज़िंदगी इधर ही गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम, हमारा जो भाई गांव है वो ज़िला चकवाल तहसील तरावांग से हूँ, ठीक है। और हमारा जो गांव है उसका नाम है बिदड़, जो बिदड़ की यूनिट कौसर है वो वैद जो है 4-5 गांव की मशहूर यूनिट कौसर है बिदड़। और मैंने उधर तालीम की है, परिवार हमारा स्कूल था और हमने कम से 5 जमात उधर पढ़ी है। हमारा उस्ताद अब्दुल कादिर था, वनार का था। उसके बाद हमने जो है आगे तालीम की कोशिश नहीं की है, गुर्बत थी, गुर्बत की वजह से आके हमने मजदूरी की तरफ रवाना की, मजदूरी की तरफ से हमने रुझान किया है। हम इसी पेशे के साथ मेरा जो है ना जी हाजी साहब हमारे नूर मोहम्मद साहब, इनके पास मैं आया हूँ, इन्होंने कहा है कि बस आप ये पेशा सीख लें। मैं इन्हीं के साथ ही जो है तो फिर 81 में यहाँ आ गया हूँ, पेशावर टाउन चौक में ये शॉप है नूर हेयर ड्रेसर, इस पर मैं काम कर रहा हूँ। 79 का मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, 79 से ले कर अभी तक मैं इनके साथ ही काम कर रहा हूँ। और पहली जो है मेरी बरकत ये है कि सन 2005 में मुझको अल्लाह ताला ने मेहरबानी किया और मैं बैतुल्ला शरीफ देखा है। और फिर रफ्ता रफ्ता मजदूरी मैं करता रहा हूँ, उससे बाद फिर मैंने बैतुल्ला शरीफ इसी मजदूरी से 13 में देखा है मैंने, और साथ मैं अपनी फैमिली को भी साथ लेके गया था इसी मजदूरी से। यहाँ इसी दुकान की बरकत से मैंने इन्हीं के साथ काम कर रहा था, अभी भी इन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ और इसी जगह में रहता हूँ। और मेरा रहश रहना पहना खाना पीना हाजी नूर मोहम्मद के साथ ही है और इन्हीं की मैं साए के नीचे परवरिश डाल रहा हूँ। और इंशाल्लाह ये दुकान में जो है जितनी गाइडिंग कर रहा हूँ ये मैं खुद ही गाइडिंग कर रहा हूँ इस दुकान की। हम 8 बंदे हैं, 8 बंदे में हमारे साथ जितने भी सलीके वाले बच्चे हैं हम उनको मतलब कि अपनी मजदूरी पे भी देते हैं और इंशाल्लाह उनको से काम ही लेते हैं और हलाल की मजदूरी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं इसी में और ठीक ठाक हैं। मेरे 2 ही बेटे हैं, एक बेटा जो है वो भी जो है इधर हो पहले यहाँ होता था, अभी वो रियाज में प्लम्बर का काम करता है, उधर होता है एक कंपनी के साथ के। हुआ दूसरा बेटा जो है वो मेरा यहाँ ही है, वो भी अपनी जो है मजदूरी मशक्क़त करता है, भाई ये पेशे से वो काम ये पेशा नहीं करते हैं, वो जो मैं पेशा कर रहा हूँ हेयरड्रेसर का वो नहीं करते हैं बेटे मेरे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ इस पेशे में कि जो मैं अपना काम कर रहा हूँ। पेशावर के लोग जो हैं तो बस कुछ मीठे हैं,
कुछ अच्छे हैं, समझ गया। वक्त जो है ये मेरे तो जितने भी ज़िंदगी गुजर रही है इसी टोन में गुजर रही है, इससे मैं बाहर कहीं नहीं गया हूँ। मैं जब का पेशावर में आया हूँ तो इसी जगह में आया हूँ। बस बहुत अच्छा इखलाक है लोगों के साथ और बहुत अच्छा इखलाक के साथ हमने अपनी वक्त गुजार रहे हैं। और रहते ही मैं शेंटोन में, शेंटोन में भी हमारे लोग जो है बहुत अच्छे हैं, जितने भी लोग हैं बहुत आला हैं और बहुत खूबसूरत है। और ख़ास करके ये जो हमारे हाजी साहब हैं जिनके साथ हमारा रहना सहना हंसता है, इनके साथ हमारा बहुत अच्छा तलबात और वक्त अच्छा गुजर रहा है। ठीक है जनाब। शादी जो है तो मैंने किया है, मेरी कज़न थी मैंने उसके साथ शादी किया है और गांव से किया है शादी मैंने। अच्छा, कब शादी कर रही? शादी मैंने किया है ये जनाब, शादी मैंने तकरीबन जो है तो 79 में किया है जी। मेरी उम्र उस टाइम 19 साल थी जी। तो यहाँ आने से पहले? जी जी, यहाँ आने से मैंने पहले शादी की है। और बहन भाई क्या कर रहे हैं, गांव में होते हैं? मेरे बहन भाई जो है ना, एक भाई मेरा जो है तो हम 3 भाई हैं, एक भाई मैं जो है तो वो एक मरतफ़ा आर्मी में था, आर्मी से रिटायर होके अभी वो दोबारा जो है तो किस दफ्तर में जॉब कर रहा है। और दूसरा भाई जो है हमारा, वो कुछ हमारी अपनी ज़मीन खेती बेती ख़ानदानी है उसमें जो है तो वो घर में उस जिम्मेदारी करते हैं। और बहनें जो हैं हमारी ये 4 थी और सब जो है तो अपने शादीशुदा कर दी हैं अपने अपने घरों में, अपनी बिलादरी में, बाहर से नहीं अपने ख़ानदान में की है। कोई कज़न है, कोई खालू है, बस इसी तरह करके उनको मतलब एक हमने कर दिया माशाल्लाह जी। गांव जाके या उस शहर में जाके कोई अपनी दुकान खोलने का इरादा नहीं है? बच्चे ये काम नहीं कर रहे? नहीं 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 नहीं, हमारा कोई इरादा, हमारा जिंदगी बस यहाँ टाउन चौक तक है। हाँ जी, बस इसी दुकान में हमने मतलब के जो है हमारा वक्त गुजर रहा है। हमारे बेटे इस फीट से कोई वो काम नहीं करते हैं, समझिए ना। मेरे दो दामाद हैं, मेरे दो दामाद हैं, एक का नाम है स्नैन, एक का नाम है न्याज। न्याज की जो शॉप है वो जो इसमें है चर्सी प्लाजा है, शकील प्लाजा जिधर मोटरवे एक्सप्रेस है उसके ऊपर है, न्याज हेयर ड्रेसर है। दूसरे जो है तो शेख यासीन टावर है हरबाब रोड पर, उसमें जो है तो मिस्टर हसनैन नाम लिखा हुआ है उसका, वो उधर शॉप है उसकी, वो काम करते हैं, बहुत अच्छे खुशहाल हैं। और मेरी बेटियां भी बहुत अच्छी खुशहाल हैं, दो बेटियां मेरी जो हैं वो शादीशुदा हैं, एक बेटी जो है मेरी अभी मेरे पास होती है, और एक बेटा शादीशुदा है, एक बेटा और एक बेटी मेरे रहते हैं अभी, समझे। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इनकी जिस तरह आ जाएगा उनका टाइम इंशाल्लाह अल्लाह ताला खुद ही मेहरबानी कर देगा। हमारा जो टाइम है जी, हमारा टाइम सुबह 8:30 से ले कर रात के 10:30 तक हम शुरू क्लोजिंग करते हैं, 10:30 तक हम क्लोजिंग कर देते हैं शॉप की। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जो है अपने हाथ से, पे भी हम अपने हाथ से काटते हैं जो भी हो, और हमारा जो भी निज़ाम हो बिल्कुल एक तरीके से फिक्स रेट होता है, किसके साथ कोई हम ज़्यादती करने वाली बात ही हमारे पास नहीं। छुट्टी का हमारा जो है तो कोई भी नहीं है, जो कारीगर हमसे चाहते हैं एक छुट्टी, हम हर कारीगर को हफ्ते में एक कारीगर दो कारीगर करने चाहें उनकी एक रूटीन बनाई हुई है, उनको छुट्टी दे सकते हैं, और जो शॉप है वो नहीं बंद करते। खुदा हाफिज़।